मेहर साहब ये फरमाइएगा कि तशद्दुद की शिकायत इस तरह पहले कभी नहीं शामिल कुरैशी साहब ने कहा, और कई दफ़ा उनको गिरफ़्तार किया गया, रिहाई मिली, उन्हीं केसेस में दोबारा गिरफ़्तार किया जाता है, लेकिन ये तशद्दुद वाला अंसर ख़ासतौर पर जिस तरह गिरफ्तारी हो रही थी वो तो हमने देखा, तो ये तो बड़े दुख की बात है। तो इस पर आपको लगता नहीं कि इस पर कोई एक्शन होना चाहिए जिन पुलिस एहलकारों ने इस तरह किया? जी बिल्कुल, हमने तो ईसीपी को भी लिखा है, ईसीपी शुड टेक एक्शन, क्योंकि वो एक नुमाइंदा नहीं है इलेक्शन के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन है, और बाकी जो सियासत के इदारे हैं उन एक्शन लेना चाहिए है, और ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किसकी ऑर्डर्स पे उन्होंने ये किया है, कि ये खुद से पंजाब पुलिस अब एक गुंडा लीग बन चुकी है, गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। और जैसे कि आपने देखा कैमरों के सामने उन्होंने जो बदतमीजी की सो की, उसके बाद जब रात को वो थाने में लेकर गए, जहां हमें बताया भी नहीं गया था कि वो किस दर उन्हें लेके गए हैं, किस थाने में लेके गए हैं, हमें कोई मालूमात नहीं थी, और वहां पे जो बदसलूकी बदतमीजी की, वहां पे उन्हें मुक्के और ठुड्डे मारे गए, ये दो मरतबा आपके मुंतखब करता वजीर खारजा रह चुके हैं, ये पाकिस्तान का दफा बैनुल अक्वामी स्टेज पर कर चुके हैं, आप इनके साथ ये सलूक करेंगे? और ये वो सियासतदान है पाकिस्तान का जिसने हमेशा एक पुरखलूस गुफ्तगू की है, हर इंसान के साथ शाइस्ता गुफ्तगू, हर किसी के साथ एक नरम रवैया, इज्जत से पेश आते हैं, ना पहले कभी रिजिस्ट किया है अरेस्ट को, ना कल कर रहे थे रिजिस्ट, वो तो पिछले 4.5 महीने से कहते तन्हाई में पाबंदे सलासल है, उन्होंने तो उससे भी उफ तक नहीं की। जी अच्छा, तो इनकी जरूरत कैसे हुई कि ये इस तरह करें? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।